नमस्कार, मैं गौरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हाथरस स्थित रति भानपुर में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के बाहर शवों का ढेर लग गया है। हादसे में कई महिलाएं और बच्चों के भी घायल हो गए हैं। इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी घटनास्थल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है, संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित रतिभानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। पंडाल में भयंकर उमस और गर्मी के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भगदड़ मच गई। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाथरस घटना की पल पल की खबर ले रहे हैं और उन्होंने मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह, चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा है। वहीं एटा के मेडिकल कॉलेज के जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सिकंदर राव के पास एक सत्संग या महोत्सव चल रहा था और इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, साथ ही बच्चे भी घायल हैं। सीएमओ का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार घायल लोग अस्पताल लाए जा रहे हैं। वहीं एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह का कहना है, हाथरस जिले के मुगलगढ़ी गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी भगदड़ मच गई। एटा अस्पताल में कई लोगों के शव पहुंच चुके हैं। यहां महिलाएं, बच्चे और व्यक्तियों के शव शामिल हैं। अभी तक कोई भी घायल अस्पताल नहीं पहुंचा है। इन सभी शवों की पहचान की जा रही है। घटना के कारणों की जांच के लिए एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की एक टीम गठित की गई है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 2:30 को चले गए, कितने लोग की मौत हो चुकी है? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए और कोई लाइट नहीं, ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। पुलिस भी हैं, उनको आगे को सप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दे में बताइए, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो सही काम हो रही है। ना डरो ना मंत्री, एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी क्या कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है, नगरी चौपट राजा ऑक्सीजन लगी। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह ऐसी आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है, घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड में घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड को उतर के सवाल किया था कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे धक्का मारा है। ये बताते हैं कि जो आदर्श में सत्संग चल रहा था, ये सिकंदर राव वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है, जिसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम। क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो, बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है एटा में? यहाँ 27 बॉडी जी। और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है जी। और कुछ लोग घायल भी आए सर?
घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान। कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। इतने लोग मरने की आशंका है, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 स्टेट बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। हाथरस सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जाहिर है ये हादसा वाकई काफी भीषण है, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। इस हादसे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि सत्संग कराने वाला ये बाबा आखिर कौन था? क्या इसने इतना बड़ा सत्संग कराने के लिए प्रशासन से कोई लिखित अनुमति ली थी? क्या प्रशासन या पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी थी? आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा इन बेगुनाहों को भुगतना पड़ा? सरकार को इस मामले पर जांच करने की जरूरत है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।